हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोगों ने आपका काफिला रुकाया और आपको पानी पिलाया, कीड़े उसमें थे, हमने खुद देखा वो चीज, तो आपने पानी पी लिया, तो जनता ऐसा पानी पी रही है, अभी आप उसके उनके लिए क्या करो? अभी जनता पानी पी रही है तो मैं भी पानी, मैंने पानी पी लिया, आज एक टाइम पिया खाली, जनता रोज पीऊंगा, रोज पीऊंगा, मैं रोज पीऊंगा, मैं पानी पी पी के बड़ा हो गया हूँ। मालूनी के माड़ा के लोग तो अच्छे घरों में रहते हैं, मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर कुछ अपने गली न्यूज पे ही ऑन कैमरा अक्टूबर में कहा था कि 36 इंच का पाइप का लाइन चालू होने वाली है अक्टूबर। हमारे साथ बीजेपी मुंबई नॉर्थ के कैंडिडेट गोपाल शेट्टी है। गोपाल जी, अभी हमने देखा मालूनी माड़ा में लोगों ने आपका काफिला रुकाया और आपको पानी पिलाया, कीड़े उसमें थे, हमने खुद देखा वो चीज, तो आपने पानी पी लिया, तो जनता ऐसा पानी पी रही है, अभी आप उसके उनके लिए क्या करो? अभी जनता पानी पी रही है तो मैं भी पानी, मैंने पानी पी लिया, आज एक टाइम पिया खाली, जनता रोज पीऊंगा, रोज पीऊंगा, मैं पानी पी पी के बड़ा हो गया हूँ। मालूनी के माड़ा के लोग तो अच्छे घरों में रहते हैं, मैंने अपने जीवन के 55 साल झोपड़पट्टी में रहकर गुजारा। अपने गली न्यूज पे ही ऑन कैमरा अक्टूबर में कहा था कि 36 इंच का पाइप का लाइन चालू होने वाली है अक्टूबर मंथ में। कम से कम गली न्यूज के रिपोर्टर को ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ रहते हो, हमने 36 इंच का पाइपलाइन डलवा दिया, उसका टेस्टिंग हो गया, पाइपलाइन में पानी इतना प्रेशर से आ गया कि सब 18 अक्टूबर का आपका प्रॉमिस, सुनिए, सब पाइप फूट गए, इसलिए फिर वापस प्रेशर स्लो करना पड़ा। अब नया पाइपलाइन डालने के लिए 13 करोड़ रुपए का मंजूरी हुआ है, उसका पेपर मैंने लोगों को दिखाया। देखिए, हम अपना प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं, समस्या है लोगों का, लोगों की नाराजगी होगी तो उसका वो जो भी अंजाम देना हो देंगे, उसका कोई बात नहीं। मालूनी में हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं लोगों की समस्या दूर करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं कि जिसका आप काम करते हो उसने आपको वोट देना ही चाहिए, कुछ लोग नहीं समझते तो नहीं देते हैं। मालूनी की जनता से आप क्या अपेक्षित करते? मालूनी की जनता से हम अपेक्षा ये करेंगे कि गत 5 साल में मैंने यहाँ पर प्रामाणिकता से काम किया है, मेहनत किया है, बार बार आया है, लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, ऐसा उनके अंतरात्मा से अगर आवाज़ आती है तो वो मुझे वोट दे 29 तारीख को, वो अगर वोट न भी देते हैं तो मैं जीतने के बाद में फिर एक बार आने वाले 5 साल उनका काम करूँगा। आपके सामने एक फेमस फिल्म स्टार है, तो आप उसको कैसे लेते हो? देखिए, वो उनके क्षेत्र में फेमस है, मैं अपने क्षेत्र में फेमस हूँ, अब लोगों ने ये तय करना है कौन सा फेमस उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नहीं, ऐसा देखा गया है, लोग काफ़ी उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनको काफ़ी प्रेम दे रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों से मैं निवेदन करूँगा कि और ज़्यादा उनको प्रेम दे।